नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करेंगे C-295 सैन्य विमान निर्माण के फाइनल असेंबली लाइन की, जिसका उद्घाटन वडोदरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से किया। साथ ही साथ भारत के रक्षा क्षेत्र पर करेंगे विशेष चर्चा भी। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की भी करेंगे बात, दिखाएंगे दूसरी हम खबरें भी। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मेक इन इंडिया में एक और नई उड़ान। वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने किया टाटा एयरबस C-295 प्लांट का उद्घाटन। भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमानों के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाने का जताया विश्वास। वडोदरा स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस में पीएम मोदी की स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक शांति की दिशा में दोनों ही देश अदा करेंगे अहम भूमिका। गुजरात के अमरेली में पीएम मोदी ने की 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। भारत माता सरोवर का भी किया उद्घाटन। कहा, विरासत और विकास को साथ लेकर चलने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र में नामांकन का काम जोरों पर। एकनाथ शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, नीलेश राणे समेत तमाम दिग्गजों ने भरा पर्चा। बारामती में चाचा अजित पवार की होगी भतीजे युगेंद्र पवार से कड़ी टक्कर। और झारखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी ने कहा, सरकार में आने पर राज्य में लागू करेंगे NRC, उनके बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलने का भी करेंगे इंतजाम। और शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिहाज से सोमवार का दिन बहुत ही खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके समकक्ष पेड्रो सांचेज ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि C-295 एयरक्राफ्ट का यह निर्माण केंद्र नए भारत के नए वर्क कल्चर को दिखाता है। इससे भारत और स्पेन के संबंध भी काफी मजबूत होंगे। C-295 सैन्य विमान निर्माण के फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से किया। C-295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। दिस प्लांट विल बी ए सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस एंड इंजिन ऑफ ग्रोथ and a testament to the close and growing friendship between Spain and India. Tata Aircraft Complex में पहला विमान साल 2026 में बनकर तैयार होगा। 40 विमान Airbus और टाटा मिलकर बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये शुरुआत भारत में विमान निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। यानी भविष्य में सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। देश में बन रहे डिफेंस निर्माण इकोसिस्टम ने स्टार्टअप, MSME और रोजगार को बढ़ावा दिया है। बीते 10 साल के दौरान 100 देशों को भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात कर रहा है, तो वहीं 1,000 स्टार्टअप देश में शुरू हुए हैं। भारत का रक्षा निर्यात इस दौरान 30 गुना तक बढ़ चुका है। 10 साल पहले कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी।
रक्षा क्षेत्र के अलावा स्पेन और भारत ने फार्मा, आईटी, साइंस, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और कस्टम में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय मुलाकात वडोदरा स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में की। दोनों देशों ने बढ़ती हुई साझेदारी को वैश्विक शांति और विकास की ओर एक बड़ा कदम करार दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में योगदान देगी। I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। वडोदरा में उनका स्वागत लोगों ने भव्य तरीके से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट कहना है कि आने वाले समय में वडोदरा एविएशन सेक्टर का हब बनेगा, जिससे बड़े पैमाने पर न केवल नौकरियां जनरेट होंगी बल्कि आने वाले समय में हम एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भर भी होंगे। कैमरामैन मनमोहन किसकार, नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बड़ौदा। जो C295 जो जिस एयरक्राफ्ट के निर्माण की बात की जा रही है और जिसका कि आज दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ये आखिर है क्या ये एयरक्राफ्ट? आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि इस केंद्र का उद्घाटन किया गया, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट आपके सामने देख सकते हैं ये वो एयरक्राफ्ट है और इसी का निर्माण अब भारत में किया जाएगा और इसी केंद्र का आज उद्घाटन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में किया। तो खूबियां क्या हैं, क्यों ये भारत चाह रहा है कि हमारे भारत में बने और इसकी क्या कुछ खूबियां हैं, उस पर एक निगाह डालते। तो हमने लिखा है इसलिए कि खूबियां क्या है C-29-295 एयरक्राफ्ट की। सबसे पहली खूबी यह है कि C-295 है जो एक परिवहन विमान है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और जिसकी वहन क्षमता 5 से 10 टन तक है। इसकी जो कैपेसिटी है ढोने की वो 5 से लेकर 10 टन तक की चीजों को, सामान को वो ढो सकता है ये एयरक्राफ्ट C-295। इसके अलावा 70 से अधिक सैनिकों या फिर 48 से अधिक जो अर्धसैनिक बलों को, उसको भी एक साथ उसमें तमाम उनके इक्विपमेंट्स के साथ, साजो सामान के साथ, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम ये एयरक्राफ्ट C-295 कर सकता है। बढ़ेंगे आगे खूबियों की बात करें तो विमान की अधिकतम जो क्रूज गति है, क्रूज गति हम जानते हैं कि एक उनकी स्पीड में हम मापते हैं, 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये स्पीड है इसकी। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी दुर्गम स्थल पर अगर आपको जाना हो और आपको बहुत जल्दी पहुंचना हो तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद एयरक्राफ्ट है। C-295 विमान एक परिवहन विमान, हमने कहा कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसके जरिए आप सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। और भारत में जो हम जानते हैं कि भौगोलिक जो इसकी जो विविधताएं हैं वो बहुत हैं, कहीं दुर्गम क्षेत्र है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं मैदानी इलाका है, तो इन तमाम क्षेत्रों में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो ये एयरक्राफ्ट बहुत ही मुफीद होगा भारत के लिए। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे बहुत ही छोटा सा रनवे चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जो इस तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं और सामान्यतः हम आप जब जानते हैं कि एक लंबा एयरक्राफ्ट चाहिए किसी भी विमान को टेक ऑफ करने के लिए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए जो रनवे है वो बहुत ही छोटा चाहिए और इसी छोटे रनवे में भी ये उड़ान भर सकता है एयरक्राफ्ट। उड़ान भरने के लिए 844 मीटर, हमने ये भी आपको स्पष्ट कर दिया कितना चाहिए, 844 मीटर से लेकर 934 मीटर तक लंबाई वाला रनवे चाहिए। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटे से स्पेस में ये जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भर सकता है। इसका मतलब कि अगर हमारे आपके जहन में आता हो कि कोई पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर का है, नॉर्थ ईस्ट का है, वहाँ पे बहुत ही छोटे से रनवे पे, बहुत ही छोटी से पट्टी पे ये विमान उतर भी सकता है और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकता है। और उतरने के लिए केवल आप समझिए कि 420 मीटर का ही रनवे चाहिए। आप समझ सकते हैं कि टेक ऑफ के लिए ज़्यादा और जब उतरने के लिए तो उससे भी कम, सिर्फ और सिर्फ 420 मीटर का इसको रनवे चाहिए, वो वहाँ पे उतर सकता है और वहाँ पे ज़रूरी जो साजो सामान है उसकी वहाँ पे वो आपूर्ति कर सकता है। विमान में ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हवा में ही रिफ्यूलिंग करने की क्षमता है, इसको कहीं पे लैंड करने की जरूरत नहीं है, एयर टू एयर इसको आप रिफ्यूल कर सकते, इसको जो ईंधन है उसको आप हवा में ही इसको भरा जा सकता है, विमान हवा में ही रिफ्यूलिंग की क्षमता इसमें है। खूबी में अगले नंबर पर है कि जिस तरह से हमने कहा कि पहला C-295 विमान 2024 में, इस वक्त हमें ठीक 2 साल के बाद तैयार हो जाने की उम्मीद है, पहला C-295 यानी कि सिर्फ और सिर्फ
आप कह सकते हैं कि 2 साल के भीतर हम पहला भारत में 295C295 विमान का हम निर्माण करने के लिए बिल्कुल ही तैयार होंगे, और उसकी पहली खेप जो कि पहला विमान वो तैयार हो जाएगा, और अंतिम विमान की डिलीवरी जो है वो अगस्त 2031 तक पूरी होने की संभावना है। तो वो कुल मिलाकर जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों देशों के बीच में, उसमें से कुछ विमान तो हमें स्पेन से मिल रहे हैं और कुछ विमान जो है वो उसका निर्माण यहाँ पे भारत में किया जा रहा है। आज इसी केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। अब हमने ये कहा कि इस परियोजना से आखिरकार भारत को क्या लाभ होगा। हमने तो बताया कि इस C295 विमान की क्या कुछ खूबी है, लेकिन इससे भारत को और क्या कुछ लाभ हो सकते हैं। तो भारतीय वायुसेना की जो रसद क्षमता है वो बढ़ेगी। रसद क्षमता मीन्स आप जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उस क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आप एक साथ तमाम साजो सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ान भर सकते हैं। विशेष मिशन की बात हो, जैसा कि हमने कहा आपदा प्रतिक्रिया, कहीं कुछ आ गया इस तरह से आपदा, तो उसको भी आप मिटिगेट कर सकते हैं आपदा प्रतिक्रिया, और समुद्री गश्ती जैसे कामों में भी इस एयरक्राफ्ट का, इस विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत में हम जानते हैं कि तमाम चीज़ें होती रहती हैं, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये एयरक्राफ्ट साबित होगा। भारत के एयरोस्पेस जो इकोसिस्टम है पूरा उसको भी प्रोत्साहित करेगी, और हम जानते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम में एमएसएमई सेक्टर से लेकर बड़ी कंपनियों से लेकर पूरे मार्केट से लेकर सभी को प्रोत्साहित करेगी और सभी को इसमें काम करने का मौका मिलेगा। भारत की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, उसको भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, और आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से और भी कंपनीज जो है वो चाहेंगे कि भारत में आए और यहाँ पे उसका निर्माण करें। तो ये कुछ अहम खूबी हमने आपको बताई कि किस तरह से ये C295 एयरक्राफ्ट है, जिसके कि निर्माण केंद्र का उद्घाटन आज भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कुछ खूबियां रहीं और इससे भारत को क्या कुछ लाभ होगा। बढ़ेंगे आगे और यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको क्या दिखाएंगे, ये आपके स्क्रीन पर हम दिखाएंगे आपको कि मेक इन इंडिया में एक और नई उड़ान। आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिला ही देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की म्याद सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और म्याद भी बढ़ाता है। ले जाओ। देश का नंबर 1 पशु आहार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमरेली में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया।
हम इस खबर को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमने जो आज आपको बताया कि हमारा जो आज का विशेष है वो इसी से जुड़ा हुआ, जैसा हमने आपको बताया आपसे कुछ देर पहले ग्राफिक्स के जरिए और वीडियो कॉल के जरिए, भारत का जो मजबूत हो रहा रक्षा क्षेत्र है हम आज उसी पर बात करेंगे। भारत का मजबूत हो रहा रक्षा क्षेत्र आज का हमारा यही विशेष है, और इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान, जी हाँ हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, जो कि वाइस चांसलर हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय। सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं एयर मार्शल संजीव कपूर जी, जो कि फॉर्मर डीजी हैं और वो इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी हैं इंडियन एयरफोर्स के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत डॉक्टर मनोज मैं आपसे करना चाहूँगा, और जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत और स्पेन के साथ मिलकर भारत में अब एक C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण हम करने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने इसका और स्पेन के प्रधानमंत्री ने मिलकर उद्घाटन किया। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिहाज से और विनिर्माण के लिहाज से, MSME के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं इस कदम को? सबसे पहले तो आज का दिन भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए और पर्टिकुलरली एरोस्पेस सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने एक नया मेक इन इंडिया का एक नया आयाम रचा कि भारत के अंदर में हम एयरक्राफ्ट असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग के साथ में करेंगे। तो इसमें स्पेन की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट, स्पेन का इसमें प्रिसीजन और भारत का डायनेमिज्म और उनकी इंजीनियरिंग और हमारा इनोवेशन, ये सब मिलके जब आगे बढ़ेगा तो इस पूरे सेक्टर में, जब जैसा कि अभी हमें पता है कि 56 C-295 एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किए हैं, तो इनमें से 40 का जब पहली बार यहाँ पे असेंबली करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम इंजन एंड अपार्ट फ्रॉम एवियोनिक्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कॉम्पोनेंट वी आर मेकिंग इन इंडिया। और जैसा कि आज टाटा सन्स के चेयरमैन ने भी बताया कि किस तरह से 40 MSME जो आगे आ चुकी है, जिस तरह से हम डिफेंस में अपने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए भले FDIs के इनफ्लो को हमने बढ़ाया हो, भले हमने अलग तरीके से IDEX प्लेटफॉर्म लगा के डिफेंस में एक्सीलेंस के लिए अलग अलग कंपनीज को दिया हो, भले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने सृजन पोर्टल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को यहाँ रिक्वायरमेंट दिया। तो अगर हम ओवरऑल इकोसिस्टम को देखें तो अब टेक्नोलॉजी, न्यू टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, न्यू कंपोनेंट डेवलपमेंट, तो ओवरऑल इकोसिस्टम जो भारत बना रहा है इस क्षेत्र में वो भारत को आत्मनिर्भर बनने में और विकसित भारत बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला। और मनोज जी हम लगातार वो ग्राफिक्स के जरिए कुछ डेटा भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन था उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है, और साथ ही साथ बीते वर्षों में हमने जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं रक्षा उत्पाद उसका निर्यात भी हमने काफी ज्यादा किया है। क्या आपको लगता है कि जब हमने कहा कि ये C-295 का निर्माण हम अगले 2 साल में कर लेंगे और इसके बाद से इस तरह की जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है इसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे भी, चूंकि हम हमारी कोशिश है कि हम ज्यादातर इसका एक्सपोर्ट करें, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसा कि हम सबको पता है पिछले 1 साल में ही हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट करीबन 32 times बढ़ चुका है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में भी उद्घाटन के बाद में उन्होंने बताया कि ये सिर्फ फैसिलिटी सिर्फ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं है, वो अभी से ही सिविल ट्रांसपोर्ट की तरफ भी भारत के बढ़ते कदम को देख रहे हैं। जिस तरह से भारत में सिविल एविएशन बढ़ रहा है और जिस तरह से हम नए एरोप्लेन ऑर्डर कर रहे हैं तो उनके लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कैसे हो, उनका पूरा ऑपरेशन कैसे हो, तो ये अपने आप में पूरे बढ़ते हुए एविएशन सेक्टर के लिए, एरोस्पेस सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, संजीव कपूर जी हमारे साथ बने हुए। संजीव कपूर जी आपकी भी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे इनिशिएटिव पर, और जैसा कि हमने कहा कि इससे जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और जैसा कि हम लगातार कहते हैं कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसका मतलब ये होता है कि जो कंपनीज चाइना या बाकी देशों की तरफ जा रही थी उनका रुझान अब भारत की तरफ हो पाएगा, वो यहाँ पर निवेश करेंगी और इससे उनके साथ साथ भारत का भी काफी फायदा होगा। आपकी प्रतिक्रिया आज के इस इनिशिएटिव को लेकर? ये जैसा कि सुबह से दिखाया जा रहा है हर चैनल्स पे, ये मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था जब मैं ऑपरेशन देख रहा था 2018-19 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी जहाजों की। तो ये एवरो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं 56 जहाज, जैसा मनोज जी ने बोला कि ये वहां तक सीमित नहीं रहेगा,
इसके मुख्य चीजें आपने अपनी स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर पहले कवर की हैं, जहाज की कैपेबिलिटीज। ये जहाज की कई और कैपेबिलिटीज हैं जो यहाँ पे नहीं दर्शाई गई हैं। ये जहाज नाइट विजन में सक्षम है, ये जहाज लो लेवल फ्लाइंग में सक्षम है, ये जहाज असॉल्ट लैंडिंग और वैली फ्लाइंग के लिए सक्षम है, ये जहाज ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट जैसा आपने कवर किया, ऐसी ऐसी छोटी हवाई पट्टियां हैं जो उड़ान स्कीम के तहत बनाई गई है। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो ये जो 40 जहाज बनेंगे जो प्रारंभ होगा, जिसमें कि जो कंपोनेंट है वो 48% से बढ़ के 78% होगा इंडिजिनस कंपोनेंट अगले 5 सालों में, तो आप मानिए कि 78% कंपोनेंट 5 सालों में अपना भारतीय होगा इन जहाजों में। उसके बाद हमारे को जो मेंटेनेंस सपोर्ट और उसके लिए विदेशों में जाना पड़ता है, स्पेयर्स मांगना पड़ते हैं, सर्विसिंग, एमआरओ फैसिलिटी जैसा कि बताया गया है, वो सब भारत में ही बनेंगी और भारत में ही ये जहाज मेंटेन। इसकी जो यूटिलाइजेशन है आगे की वो उड़ान स्कीम की प्रति मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट 56 जहाज की पूरी हो जाएगी, तो इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट है एक AN-32 एयरक्राफ्ट है जो की 40 साल पुराने हैं और जो कि फेज आउट होने के कगार पे हैं, तो ये जहाज उससे भी ज्यादा सक्षम है। AN-32 करीब 4 से 5 टन लोड उठा सकता है, जबकि ये जहाज करीब 7 टन तक, 7 से 7.5 टन तक ये जहाज उसी कॉन्फ़िगरेशन में कैरी कर सकता है। और साथ साथ संजीव जी, मेरा ये सवाल आप ही के बातों को आगे बढ़ाते हुए कि कई बार हम जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, कई बार हमने चर्चा की है कि अमुक देश दूसरे देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से हिचकिचा रहे हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि भारत के साथ चूंकि सारे तमाम देशों के संबंध अच्छे हैं, स्पेन भी उनमें से एक शामिल देश है, स्पेन ने इस बात को और भारत की जो पॉलिसी रही है उसको समझते हुए ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो किया और ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये पहली बार ही भारत में कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट, आज तक जब से हमारे देश को आजादी मिली है सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट बाहर से आए, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है और ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में बन रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि काफी हद तक एरोस्पेस पावर में बढ़ेगी आने वाले समय में। और इसका देखा देखी जहां हम लैग करते हैं आज की डेट में वो है इंजन्स, एरो इंजन जहाज के मैन्युफैक्चरिंग, एवियोनिक्स एंड हाई एंड रेडार्स। तो ये जो तीन चीजें हैं इस पे जैसा कि मनोज जी ने बोला कि आईडेक्स के प्रति बाकी संस्थाओं में मेक इन इंडिया के तहत बहुत काम हो रहा है, तो ये जो तीन चीजें हैं जिसमें मेरे को लगता है कि हम हमारे देश को काम करने की आवश्यकता है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है, एंड एयर फ्रेम जैसे एयरबस के लिए भी कई कंपनी टाटा एयरोस्पेस और कुछ प्राइवेट कंपनीज पहले से ही बना रहे हैं, और बहुत सालों से जो एयरक्राफ्ट के ओलियोज हैं, टायर्स हैं, हब्स हैं, जो बाकी चीजें हैं वो भारत में निर्मित हो रही हैं, तो ये सारी चीजें अब मिलके एक इको, और जैसे कि मनोज जी ने बोला कि कम से कम 800-900 जहाज तो सिविल एविएशन के लिए अगले 7-8 साल में भारत में आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार डिमांड बढ़ता ही जा रहा है उड़ान योजना के तहत, हमने देखा है किस तरह से जो जो ग्रोथ है हमारे देश में सिविल के लिए सेक्टर में पैसेंजर ट्रेवल के लिए वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिविल एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड इज इंडिया। ठीक है मनोज जी, मेरा सवाल ये कि अभी तक भारत की जो एक छवि थी ग्लोबल फोरम पे कि हम सॉफ्टवेयर को लेकर काफी एक्टिव हैं, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज सेक्टर को लेकर खासकर आईटी में, लेकिन अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अब ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने कि हम किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा सवाल ये कि एक तो ये छवि जो इमेज है वो कितना चेंज होगी, और दूसरी बात कि जो हमारे जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डिज़ाइन है उस पर भी हम काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे, एमएसएमई सेक्टर्स को कितना फायदा होगा इससे? मनोज जी इसमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज बोला भी कि जब हम पहला कदम लेते हैं तो अगले कदम अपने आप आगे चलने लगते हैं, इसका मतलब कि हमें कभी ना कभी कदम तो उठाने ही होंगे। आज हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में कर रहे हैं, भले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं जिसमें हमने दशकों तक नहीं किया, तो अगर हम
पूरी एमएसएमई सेक्टर को देखें, एमएसएमई सेक्टर तो भारत की इकोनॉमी की जान है, तो अगर हम उनके साथ जितना इनोवेशन भारत के लोगों में, जितनी स्टार्टअप, जितनी यूनिकॉर्न हम देख रहे हैं, तो एक बार अपॉर्चुनिटी मिले, उसको गवर्नमेंटल सपोर्ट मिले, उनको अपॉर्चुनिटी मिले ये बता कि हमको क्या जरूरत है किस सेक्टर में, तो एमएसएमई सेक्टर तो भारत को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने और भी बताया कि वडोदरा में ही एमएसएमई सेक्टर अपने आप में स्ट्रेंथ रहा है, तो किस तरह के वडोदरा का इकोसिस्टम एमएसएमई सेक्टर को हो, गति शक्ति विश्वविद्यालय हो, बाकी इंडस्ट्रीज हो, मिलके एक इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच जो इस सरकार ने काफी आगे बढ़ाया है हर सेक्टर में, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो, भले वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो, आज हमने इस एरोस्पेस सेक्टर में देखा, सेमीकंडक्टर में, सो ओवरऑल जो इकोसिस्टम अप्रोच है जिसमें टैलेंट स्किल वहां से शुरू करते हुए अल्टीमेटली तो ह्यूमन बीइंग ही इन चीजों को बनाएगा, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का नया डेवलपमेंट करेंगे। आप डिफेंस में भी देखें तो किस तरह से डीआरडीओ ने इन दिनों डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी इंटरफेस बना के अलग अलग आईआईटीज और अलग अलग इंस्टीट्यूट में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे, एआई में हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी में हो, रोबोटिक्स में हो, शुरू किए। तो ये भारत के उभरते हुए भारत के स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है कि हम किस तरह से आरएनडी के अंदर में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं इसमें। लेकिन संजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी होगा, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि आरएनडी हम लगातार सरकार की ये कोशिश रही है, चाहे फंड की बात हो या फिर एक इकोसिस्टम देने की बात हो, कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें। इस पूरे एविएशन सेक्टर में आज के डेट में, आज की तारीख में क्या कुछ स्थिति है, खासकर अगर हम बात करें आरएनडी को लेकर? बहुत तरक्की हो रही है, अब बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी मार्केट है एविएशन एंड स्पेशली डिफेंस का कि हर कंपनी ने एक अपना आरएनडी सेल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, एंड जो विदेशी कंपनी है उन्होंने भी रियलाइज किया कि अब भारत में निर्माण के अलावा हमारे पास कोई दो राय नहीं, तो वो पहले जो चीजें एक्सपोर्ट करने की ताक में रहते थे, अब वो कोलैबोरेशन और यहाँ पे आरएनडी सेटअप करने की जो चीजें, जो जैसे हवाई जहाज जो विदेशों में बनाए जाते हैं वो उनके हिसाब से बनाए जाते हैं, जैसे रूस के बने हुए जहाज हैं या यूरोप के बने हुए जहाज हैं, अमेरिका, वो तकरीबन ठंडे मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं, बट भारत में जब वो जहाज आते हैं जहाँ पे धूल है, रेत उड़ती है, काफी साल में काफी महीने गर्मी रहती है, तो उन जहाजों की जो परफॉर्मेंस है वो कमेंसरेट नहीं होती है, क्योंकि वो जहाज उस स्थिति के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो इन सब चीजों में चेंज लाने के प्रति उन्होंने आरएनडी सेंटर लगाए कि इस चीज को, जैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें जितनी भी कारें आई थी आज से 15-20 साल पहले, उन्होंने सारों ने आरएनडी सेंटर भारत में लगाए और उन्हीं कारों को भारत की कंडीशंस के लिए मॉडिफाई किया। सिमिलर कंसेप्ट अभी एविएशन में आ रहा है, ये सारी कंपनियां अब कीन है कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी को कैसे ट्रांसफर किया जाए, मॉडिफाई किया। इसमें एक सवाल और, जब आपने कहा कि हम इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, इंडियन ज्योग्राफी और टोपोग्राफी के हिसाब से हम इसको बना रहे हैं, तो क्या जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या जिस देश को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी कुछ संशोधन करने की जरूरत होगी तकनीक के तौर पर? संजीव, ज्यादा मिनिमल नहीं होते हैं, बट कुछ मॉडिफिकेशन जरूर रहते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर जो कि उस कंडीशंस के लिए रहती हैं, और ये चीजें प्रोडक्शन लाइन में ही डिजाइन की जाती हैं। तो जो कारें जैसे यूरोप के लिए बनती हैं उसमें कुछ फीचर उनकी रेगुलेशन, जो कारें जापान के लिए बनती हैं थोड़ी अलग, कंपनी वही है, बना भी वही रही है, तो वो ये चलता है इसमें इन मैन्युफैक्चरिंग, ये मॉडिफिकेशंस रहती हैं। मनोज जी, सरकार की कोशिश जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और हम सभी का ध्यान जाता है कि देखिए इतनी सारी चीज़ें हो रही, इतने करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्या इससे रोजगार मिलेगा, क्या भारत के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? बिल्कुल 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 निश्चित रूप से, जिस तरह भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जिस भी एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो बढ़ रहा है, तो इसमें नए रोजगार निश्चित रूप से पैदा होंगे। सिर्फ वडोदरा की इसी टाटा एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जो इसमें लगी है, इसमें भी जैसा कि हम सबको बता रहे 3000 डायरेक्ट जॉब्स और इनडायरेक्ट जॉब्स थाउजेंड्स के अंदर में पैदा होंगे। इस तरह से जब सिविल एविएशन हमारा ग्रो हो रहा है, प्रतिदिन ऑलमोस्ट 5 लाख लोग एयर ट्रेवल कर रहे हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ रहे हैं, वो एमआरओ सेक्टर हर सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। एक और चीज मैं C-295 के बारे में कहना चाह रहा हूं कि न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए, बल्कि हम सबको पता है कि इंडियन नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, जो अलग अलग इसकी एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग हॉल थिंग। हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आगे यूज करने वाले हैं,
ये एक आधारशिला, इसके बेसिस पे हम सिविल ट्रांसपोर्ट के अंदर में भी नए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे, तो रोजगार निश्चित रूप से बढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग सरकार की पहल के मुताबिक ही, जैसे हमारी जैसी यूनिवर्सिटी, गतिशक्ति विश्वविद्यालय, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में स्किल्स को तैयार करेंगी इंडस्ट्री के साथ मिलकर। हमारा इंडियन एयरफोर्स के साथ में एक समझौता है, हमारा एयरबस के साथ में एक समझौता है, जिसके अनुसार हम लोग इंडस्ट्री ओरिएंटेड अप्रोच से इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में भी हम लोग मैन पावर क्रिएट करेंगे, जो कि टाटा एयरक्राफ्ट की ना हो, बाकी सबके लिए भी आगे बढ़े। ठीक है, चाहे रोजगार की बात हो या फिर रक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात हो, स्वदेशीकरण की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, आत्मनिर्भर होता जा रहा है, रोजगार के मोर्चे पर भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजीव जी आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरेली में भारत माता सरोवर का आज उद्घाटन किया। इसका विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल के तहत किया गया है। ढोलकिया फाउंडेशन ने एक चेक डैम का भी उन्नयन किया। सरोवर को गहरा और चौड़ा करने के बाद इसकी क्षमता बढ़कर अब 24.5 करोड़ लीटर हो गई है। इस उन्नयन से आसपास के कुओं और कूपों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि स्थानीय गांवों और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिल रही है। और उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 4,900 करोड़ रुपए की परियोजना, 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जल आपूर्ति की 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ ही 1100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित की। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और वहां पे अगले विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे की लड़ाई किस तरह से होने वाली है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ, मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉलमार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS के रैप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, इंस्पायरिंग क्वालिटी। इट्स अनदर सिक्स। रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर। ओके भाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की, जिसका कि बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही राज्य के तमाम नेताओं ने अपनी कमर भी कस ली है। आगामी चुनाव के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई बड़े नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन है। महाराष्ट्र में नामांकन का काम खत्म होने में अब बस एक ही दिन बचे हैं। ऐसे में राज्य के तमाम दिग्गज उम्मीदवार पर्चे भरने के काम में लगे हैं। तमाम नेता नामांकन से पहले रैली और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कोपरी पचपखारी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। शिंदे के नामांकन के समय उनके परिवार के साथ ही कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया। एनडीए उनकी बंपर जीत का दावा कर रहा है। हम हर चुनाव को चुनौतीपूर्ण मानते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, लोगों ने मन बनाया है, लोग वापस सत्ता हमको सौंपेंगे। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर इस बार फिर सबसे दिलचस्प लड़ाई हो गई है। यहाँ चाचा अजीत पवार का मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है। महाराष्ट्र के चुनावी रण में डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर उनका मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने योगेंद्र पवार को टिकट दिया है। योगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। योगेंद्र ने भी नामांकन कर दिया है। ये योगेंद्र का पहला चुनाव है। भतीजे से मुकाबले को लेकर अजीत पवार ने कहा कि वो बारामती से अच्छे वोट से जीतेंगे। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। वी कैन इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देयर हैज टू बी टू ओपिनियंस एंड वी मस्ट गो टू द पीपल and tell them why we are fighting this. It's again, I reiterate myself that it's not a personal fight at all. It is an ideological fight about policies which we are against. इस बीच बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस तरह से भाजपा ने अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 99 और दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। उधर महाविकास अघाड़ी में अब भी सीटों के बंटवारे का पेच नहीं सुलझ सका है। कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हल कर लिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में 2-3 सीटों का इश्यू है, वो क्लियर हो जाएगा, कल तक क्लियर हो जाएगा। दिवाली के बाद हम गारंटी कार्ड देंगे। महाराष्ट्र में नामांकन का काम पूरा होने में अब केवल एक ही दिन का काम बचा है। ऐसे में सीटों के बंटवारे से लेकर टिकट देने का काम अब दोनों गठबंधनों को जल्द से जल्द पूरा ही करना होगा। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के कोपरी पाचपाखाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने रोड शो के जरिए अपनी पॉलिटिकल पावर का, राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया। रोड शो के दौरान एकनाथ शिंदे ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह विश्वास जताया कि राज्य में महायुति को प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। हम थाने में है, थाने मुख्यमंत्री का गढ़, और यह वो इलाका है जो मुख्यमंत्री के दिल के काफी करीब भी है। 5 घंटे से रैली कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका यहाँ पर अब तक का जो है अनुभव रहा है, जो आज आपने देखा है? बहुत ही मुझे खुशी की बात है कि आज सुबह से या मेरे नामांकन पर्चे की रैली शुरू है। सब लोग रास्ते पे है, गली में है, सब पेरिस पे है, सब जगह लोग ही लोग हैं। और अपना आज उन्होंने काम बंद करके ये रैली में शामिल हुए हैं। खुद ही एकनाथ शिंदे बनकर वो आज प्रचार में शामिल है, इसकी खुशी है मुझे। 4 बार आप चुन के आए, एंटी कैंपसी होती है ऐसे लोग कहते हैं, आपका उस पर क्या कहना इस बार? आप देख लो ना, आप देखो, हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है, और इस बार मेरे मतदाता जो हैं वो सब पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ेंगे और मुझे विजयी बनाएंगे, क्योंकि ये मेरी कर्मभूमि है। यहाँ बड़े पैमाने पर
लोग साथ में जुड़े हैं, ये महायुति का गढ़ है और इसलिए यहाँ पर हमारे पिछले सब रिकॉर्ड टूटेंगे। और दो सवा दो साल में जो काम किया है महायुति ने, ढाई साल का महाविकास आघाड़ी का काम, होने दो दूध का दूध पानी का पानी, और लोग पूरी तरह बहुमत मेजोरिटी महायुति को देंगे और महायुति को विजयी बनाएंगे। महाविकास आघाड़ी का इस बार क्या परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं? महाविकास आघाड़ी जो कि अब तक जो है सीट बंटवारे का फाइनलाइजेशन नहीं कर पाई है, वो आपस में लड़ झगड़ के पड़ जाएंगे, हमें ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं, और इसलिए हमारी थंपिंग मेजोरिटी आएगी काम के बलबूते पर। जो हमने काम किया है उसके बलबूते पर लोग चुनाव में हमारी साथ देंगे, और जो लोग घर में बैठे हैं उनको हमेशा के लिए घर में बिठाएं। कितनी सीट जो है आप जीतेंगे? मैं बताऊंगा, थंपिंग मेजोरिटी। तो ये थे एकनाथ शिंदे, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि थंपिंग मेजोरिटी इस बार जो है उनको इस चुनाव में मिलेगी। चिरशिलार, डीडी न्यूज, ठाणे। तो ये तो हुई बात महाराष्ट्र की, और आपको ले चलते हैं झारखंड चुनाव को लेकर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है, और इसी कड़ी में जहां जामताड़ा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार सीता सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। झारखंड के सियासी संग्राम में नामांकन का काम अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में तमाम दिग्गज उम्मीदवार नामांकन का काम निपटा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। 5 वर्षों तक इस राज्य की जनता को इन्होंने ठगा है, 5 वर्षों तक इस झारखंड को इन लोगों ने लूटा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। वहीं जामताड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा किया। जो विकास यहाँ का अधूरा है वो विकास को हम पूरा करेंगे, और जितने भी साल तक इरफान अंसारी के आतंक से सब दबे हुए थे उस आतंक से हम मुक्ति दिलाएंगे। सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा झारखंड में बड़ा चुनावी मसला बन गया है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी की थी, इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम पर हमलावर है। जेएमएम की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आज लगातार रोज बहनें अपमानित की जा रही है। बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। ये राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं, मोहब्बत की दुकान, और झारखंड में उसकी मोहब्बत की दुकान चला रहे इरफान अंसारी। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने संथाल परगना प्रमंडल की बरहेट सीट से मुख्यमंत्री झामुमो के उम्मीदवार हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियल हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया है। वह 5 साल पहले सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में इसी सीट पर आजसू पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। इस बीच राज्य में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। मानस सिन्हा ने भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, मैंने अपने 27 कीमती साल पार्टी को दिए, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन भी पूरी जिम्मेदारी से किया, हर बार कोशिश है कि बेहतर परिणाम दूं, और हर बार खुद को साबित भी किया। मुझे लगता है कि मेरे काम का कोई महत्व नहीं है। ये चौथा मौका है जब पार्टी ने मुझे अपमानित किया है। किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। रांची से सोमेश पटेल और दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड से एक और बड़ी खबर है। खबर ये कि झारखंड के विधानसभा चुनाव का पारा अब तेजी से बढ़ता जा रहा है, और सियासी दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी
और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा पार्टी की सरकार आंखें बंद कर राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देती रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने मुस्लिम आबादी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में 11% मुस्लिम आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर भी हमला बोला। ये राज्य सरकार की चिट्ठी है, स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी है, 2023 की चिट्ठी है। वो खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, मदरसा में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उनको यहाँ नागरिक बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। तो हम जो बातें कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल प्रणाम में वो 15% बढ़ा। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पत्र शेयर करते हुए लिखा कि ये है झारखंड में आदिवासी की आबादी कम होने तथा बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाकर हमारे बहन बेटियों की इज्जत तथा जमीन लूटने का सबूत। 1951 में मुसलमानों की आबादी 9% थी, आज 24% है। पूरे देश में मुसलमानों की आबादी 4% बढ़ी है और हमारे संथाल परगना में 15% बढ़ी है। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और झारखंड की सरकार इसे स्वीकार कर रही है। वोट बैंक की राजनीति के कारण न तो कांग्रेस और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासियों की चिंता है। जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस नहीं भेज देते, तब तक भाजपा चैन से नहीं बैठेगी। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि झारखंड में चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और हम लोग संथाल परगना में NRC लागू करेंगे और घुसपैठियों को बाहर करेंगे। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को शरण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड शरण भूमि बनेगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने यह भी कहा कि घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य में NRC लागू करने के अलावा ये भी इंतजाम करेंगे कि घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा ना मिले, साथ ही उनके जीवन साथी कभी मुखिया ना बन सके। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा है कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का कोई मुद्दा नहीं है, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये सब बेबुनियाद आरोप है और इसको तो जवाबदेही अपने लेनी चाहिए होम डिपार्टमेंट को, जिन पर सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी है। और यदि उस तरह की बात है तो वह जांच एजेंसी भी उनके पास है, वो जांच करके निकाले कितने बांग्लादेशी लोग यहाँ घुसपैठी किया। आपको बता दें कि झारखंड चुनाव के बीच राज्य की राजनीतिक फिजा काफी गर्मा गई है। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य की सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर लगातार चला रही हैं। सुमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी झारखंड से। रुके यहां छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे भव्य और दिव्य दीपोत्सव की झलकियां सीधे अयोध्या से। एक छोटे से ब्रेक के बाद टूरिज्म। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी।
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। और आपको बता दें कि अब तक जो स्टोरीज जो खबरें आपको हमने दिखाई वो क्या क्या थी। तो वो खबरें थी वायुसेना का नया वीर C-295, भारत स्पेन साझेदारी का नया अध्याय जिसकी आज से शुरुआत हुई, और महाराष्ट्र और झारखंड का सियासी संग्राम। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जो कि अब तक आप न्यूज टाइम में देख चुके हैं। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे दीपोत्सव की। जी हां, त्रेता युग जैसी अयोध्या की कल्पना रामनगरी में आकार लेती अब दिखाई दे रही है। ये भव्य महल में विराजे बालक राम की पहली दीपावली है। अयोध्या उसी तरह से खुश है जब लंका विजय कर 14 साल के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, और इस बार भी खुशी झलकेगी, लेकिन ये दीपावली बालक राम वाली होगी। 500 साल बाद भव्य महल में रामलला के विराजने के उल्लास में पूरी अयोध्या आज से 3 दिनों तक यूं ही जगमग होती रहेगी। अयोध्या में इस बार की दीपावली भव्य और दिव्य होने जा रही है। जहां एक ओर दीयों को सजाने का काम, लेजर लाइट एंड साउंड शो और राम कथा का मंचन की विशेष तैयारियां हैं। इस बार का दीपोत्सव इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस साल पहली बार अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है। 500 सालों के बाद अब जब रामलला अपने नव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हैं, तो आयोजन भी भव्य और अभूतपूर्व हो रहा है। अयोध्या में 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 28 से लेकर 30 तारीख तक ये इवेंट्स चलेंगी, जिसमें मुख्यतः जैसे मैंने बताया वो लोक नृत्य वाला जो कार्यक्रम है, साथ साथ ड्रोन शो, और इसके अलावा जो एक आतिशबाजी 30 तारीख को रहेगी। तो सारी चीज़ों को भव्य करने का जो है वो पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। वहीं राम की पैड़ी पर लेजर लाइट एंड साउंड शो होने जा रहा है, जिसकी तैयारी भी जोरों पर है। अयोध्या में दीपोत्सव में बन रहे रिकॉर्ड के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी अयोध्या पहुंची है और नजारों का अवलोकन कर रही है। इस बार दीपोत्सव में 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट हो रहे हैं। पहला है सबसे ज़्यादा लोग एक साथ आरती करेंगे, सरयू आरती का रिकॉर्ड है जिसमें 1100 से ज़्यादा लोग एक साथ सरयू आरती करेंगे। और दूसरा जो हमारा रेगुलर जो हर साल होता है वही अटेम्प्ट है, दियो का अटेम्प्ट, लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प। और इस बार का टारगेट है 25 लाख। दिवाली से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया है। हमेशा के समान सज्जा की जाएगी। प्रवेश द्वार 11, राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग बिरला धर्मशाला के सामने इसकी सज्जा करेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली दीपावली है, इसलिए दीपोत्सव कुछ इस अंदाज में होने जा रहा है जिसका प्रकाश पूरे समाज को रोशन करे। दीपोत्सव के मौके पर पूरी दुनिया देखेगी सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ से निकले प्रकाश को, पूरी दुनिया देखेगी आधुनिक और आध्यात्मिक अयोध्या को, पूरी दुनिया देखेगी ज्ञान विज्ञान के संगम को, पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे हम अपनी विरासत को संरक्षित रखते हुए विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया देखेगी कि अपने ही बनाए हुए विश्व कीर्तिमान को फिर से तोड़कर नया विश्व कीर्तिमान बनाना अगर कहीं संभव है तो केवल अयोध्या में। कैमरा पर्सन योगेश कुमार और अपने सहयोगी आशुतोष शुक्ला के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज अयोध्या। और आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सबसे पहले आपको जय श्री राम और दीपोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम उत्साहित हैं उन दृश्यों को देखने के लिए
जिसको दिखाने के लिए आप इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। दिखाइए और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए। निश्चित तौर से असीम जय सीताराम अभिवादन है समूची अयोध्या का, समूचे अवध का, समूचे क्षेत्र का। मैं खुद नजारे आपको दिखाऊंगा, हो सकता है मेरी आवाज यहाँ पर चल रहे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी आवाज में कहीं दब जाए, और ये वही सच्चाई है कि आज जिस तरीके से अयोध्या से जो अनगूंज निकल रही है, अयोध्या से जो अनहद नाद निकल रहा है, वो पूरी दुनिया सुन रही है कि किस तरीके से हम अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया अध्याय लिख रहे हैं। ये राम की पैड़ी है, राम की पैड़ी पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस समय चल रहा है। 28 से 30 तक यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम है। मुख्य कार्यक्रम 30 तारीख को होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर होंगे। यहाँ से सटे हुए राम कथा कुंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और जाओ दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर लेजर लाइट के शो के जरिए जो कि अभी भी यहाँ पर चल रही है, समूची राम कथा को लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। और उसके बाद शानदार आतिशबाजी होगी, आतिशबाजी पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप होगी, आतिशबाजी 70 डेसिबल से कम आवाज वाले पटाखों की होगी, आतिशबाजी जो होगी वो धुआं रहित होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नए आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता के कलेवर में अयोध्या सजी हुई है। खास इसलिए है क्योंकि 500 साल का श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में ही वनवास समाप्त हुआ है। रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में अगर विराजमान है तो इस बार की पहली अयोध्या है जब रामलला अपने दिव्य प्रासाद में है, तो निश्चित तौर से यह अभूतपूर्व करने की कोशिश है, नया विश्व कीर्तिमान बनाने की भी कोशिश है। 28 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, कोशिश यह है कि 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बने, जो पिछली बार के 21-22 लाख के दिए से कहीं ज्यादा हो। तो निश्चित तौर से अगले 3 दिनों तक यहाँ पर प्रकाश का महोत्सव होगा, और इस प्रकाश के महोत्सव में पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे हम विरासत भी और विकास को संरक्षित करते हैं, कैसे हम विकास के नए आयाम को स्थापित कर रहे हैं, और कैसे हम राम राज्य की वास्तविक संकल्पना को साकार करने में जुटे हुए हैं जिसमें ममत्व हो, समत्व हो और सबका विकास हो। बिल्कुल, ये बहुत ही दिव्य और नव्य दृश्य आप हमें दिखा रहे हैं। कि छोटा सवाल ये कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी वहां पे मौजूद है। निश्चित तौर से 2017 से पहली बार दीपोत्सव की शुरुआत हुई, 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना था, उसके बाद 2018 से लेकर लगातार 2023 तक हर साल यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये पूरा का पूरा आयोजन दर्ज हुआ। इस बार पिछली बार का आंकड़ा 21,30,000 के आसपास दीपों का था, इस बार कोशिश ये है कि 28 लाख दिए जलाए जाएं जो लंबे समय तक कम से कम 25 लाख दियों के जलते रहने का विश्व रिकॉर्ड बन सके। और निश्चित तौर से पिछली बार 51 घाटों पर बनाए गए थे, इस बार 55 घाटों पर ये सुसज्जित किए जाएंगे, तो ये निश्चित माने कि अपने ही बनाए कीर्तिमान को नया कीर्तिमान बनाने के लिए नया लक्ष्य स्थापित करके उस लक्ष्य को हासिल करने की जो मंत्र है उस पर अग्रसर है पूरा देश और अयोध्या, और विश्व कीर्तिमान बनकर रहेगा। असीम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को, इन तमाम दृश्यों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए अयोध्या से बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे या रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहु की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ, मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देख कर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS के रैप, इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदे BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार,
अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और बेकौद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की कमी 1 नवंबर तक बनी रह सकती है। इसका कारण ऊपरी गंग नहर की मरम्मत का काम और यमुना में बढ़ा हुआ प्रदूषण स्तर है, जिससे 2 जल शोधन संयंत्रों के संचालन पर असर पड़ा है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक भागीरथी और सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र केवल 30% क्षमता पर ही काम कर रहे हैं और अस्थायी रूप से यमुना पर ही निर्भर है। हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य की खास रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। दिल्ली के कई हिस्सों में जल संकट जारी है। दिल्ली के दक्षिण और केंद्रीय हिस्सों में पानी की कमी नवंबर 1 तक बनी रह सकती है। ऊपरी गंगा नहर की मरम्मत और यमुना में उच्च प्रदूषण के स्तर में पानी की जो आपूर्ति है उसको प्रभावित किया है, जिसके चलते 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लाजपत नगर, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, कालकाजी, अमर कॉलोनी, पंचशील पार्क, सरिता विहार, मालविया नगर और NDMC के अंडर आने वाले कई सारे क्षेत्र शामिल है। भागीरथी और सोनिया विहार का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो सिर्फ केवल 30% क्षमता पर काम कर रहा है और अस्थायी रूप से यमुना पर निर्भर है दिल्लीवासी। लेकिन यमुना में अमोनिया का जो स्तर है वो काफी अधिक हो गया, जिसके चलते पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। यहां पर सर मनोज के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU के 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में संस्थान के 1959 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। उत्तराखंड का ऋषिकेश एम्स देश में पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू कर इतिहास रचने जा रहा है। इस अवसर पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। वहीं देहरादून के नोडल ऑफिसर मधुर उनियाल ने कहा कि हेली एम्बुलेंस सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड के मरीजों को तत्काल मेडिकल उपचार की सुविधा मिल सकेगी। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक